हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल के जॉम्बीज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके। तो दोस्तों, पबजी मोबाइल पे जॉम्बीज का अपडेट आ गया है। आप सबने खेला ही होगा जॉम्बी मोड। नॉर्मल सी बात है, जॉम्बी मोड जितना आसान लगता है स्टार्टिंग में उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा हार्ड है। तो बेसिकली मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने टाइप के जॉम्बीज हैं, किन किन जॉम्बीज से आपका सामना हो सकता है गेम के अंदर, और साथ ही साथ हम इन जॉम्बीज को कंपेयर करेंगे रेजिडेंट इविल 2 के जॉम्बीज के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है वो है नॉर्मल जॉम्बीज का। तो ये नॉर्मल जॉम्बीज आप सबने देखे होंगे कि इनको मारो एक शॉट में मर जाते हैं, और उसके बाद फिर मेल फीमेल और पुलिस वाले कॉस्ट्यूम में ये आते हैं। ये आपको नॉर्मली हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो इनका कोई खास काम, ये नॉर्मली आएंगे आपके पास और आपको बस हिट करेंगे, बस इतना सा है, ये इतना सा काम है इनका। और ये नॉर्मल जॉम्बीज हमें रेजिडेंट इविल 2 के गेम में भी मिले हैं, तो इनका इतना ही रोल है। उसके बाद दोस्तों, एक दूसरे टाइप का जॉम्बी है यहाँ पे, वो है फैट जॉम्बी। अब ये फैट जॉम्बी मोटा सा सांड सा जॉम्बी है पबजी मोबाइल के अंदर, और ये जॉम्बीज हमें रेजिडेंट इविल 2 के गेम में देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्पेशली इस गेम के लिए डिजाइन किया गया है ये जॉम्बी। तो इसका भी कोई खास रोल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है इसको मारने में, पर ये बहुत जल्दी मर जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो जॉम्बी है इसके अंदर, वो है स्पिटर। अब ये स्पिटर का काम क्या है, बेसिकली ये जो है ग्रीन कलर का एक पॉइजन आपके बॉडी के ऊपर फेंकता है जिससे आपको डैमेज मिलता है, और ये वाला जॉम्बी भी जो है रेजिडेंट इविल 2 के गेम के अंदर नहीं है। नेक्स्ट जॉम्बी का नाम है शील्डेड जॉम्बी। अब ये शील्डेड जॉम्बी है क्या, इसके पास बेसिकली एक जायंट सी शील्ड है, रॉयट शील्ड जिसे कहते हैं, जिसपे आपके बुलेट्स वगैरह का कोई असर नहीं पड़ता, और उस शील्ड से जॉम्बी अपने आप को डैमेज लेने से रोकता है, और उस शील्ड से आप पे अटैक भी करता है। तो ये वाला जॉम्बी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, बेसिकली रात के टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला जॉम्बी भी रेजिडेंट इविल 2 के एक्चुअल गेम में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ जॉम्बीज जो है पबजी मोबाइल ने खुद डेडिकेटेड इस गेम के लिए बनाए हैं, और इसके बाद के जो जॉम्बीज हैं वो हमें रेजिडेंट इविल 2 के गेम में देखने को भी मिले हैं। तो नेक्स्ट जॉम्बीज है वो है लिकर। अब लिकर का काम क्या है, लिकर बेसिकली एक क्रीचर है जो जमीन पे रेंगता रहता है, और ये लिकर हमको रेजिडेंट इविल 2 के गेम में भी मिला है। और इसका काम क्या है, बेसिकली आएगा, पंजा मारेगा और आपकी हेल्थ लेगा, तो इतना सा काम है इसका। और ये लिकर हमारे इस गेम में भी है, हालांकि थोड़ा सा लो वर्जन है, थोड़ा सा डिग्रेडेड वर्जन है पबजी मोबाइल में। जो गेम के अंदर लिकर था वो थोड़ा सा डेंजरस था, वो आता था मारता था और वो गायब हो जाता था। तो उससे बचने का सिंपल सा एक ही रास्ता था कि उसके सामने एकदम स्लो मोड में चलो ताकि लिकर को पता ना चल पाए। लेकिन पबजी मोबाइल के गेम में ऐसा नहीं है, आपको इसको मारना ही पड़ेगा वरना ये आके पंजा मार के आपकी हेल्थ लेगा ही लेगा। तो ये एक जॉम्बी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉम्बी है वो है जी स्टेज का जॉम्बी। अब ये जी स्टेज का जॉम्बी है क्या, जी स्टेज 1 का जॉम्बी है ये, मैं पहले बता दूं। ये जी स्टेज 1 का जॉम्बी रेजिडेंट इविल 2 के गेम के अंदर भी है। इसका सामना क्लियर के साथ होता है, और उसके बाद ये जी स्टेज का वर्जन जो है बढ़ता रहता है, 2, 3, 4, उसके बाद टायरेंट में भी कन्वर्ट होता है गेम के अंदर। तो इस टाइप का जॉम्बी है। बेसिकली क्या है इसकी हिस्ट्री की, जिस बंदे ने जी वायरस बनाया था तो वो वायरस उसकी बॉडी पे लग जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जॉम्बी में उसकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है जी स्टेज 1। अब गेम के अंदर यह है कि इसके एक बॉडी पे एक जायंट आई है, उस आई पे हम शूट करते थे गेम के अंदर रेजिडेंट इविल 2 में, तो उसकी हेल्थ डाउन हो जाती थी और उसको मारने में इजी पड़ता था। लेकिन पबजी मोबाइल के गेम में ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी उसकी बॉडी पे हिट करोगे तो उसको डैमेज मिलेगा और वो मर जाएगा। तो इतना सा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के गेम में, तो डिटेलिंग का फर्क यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों, जो सबसे बड़ा यहाँ पे जॉम्बी है, टेक्निकली जॉम्बी है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट टायरेंट जो मेन बॉस है इस गेम का वो है टायरेंट। अब ये टायरेंट रेजिडेंट इविल 2 के गेम में हमें मिलता है जैसे हमारी स्टोरी प्रोग्रेस होती है, और रेजिडेंट इविल 2 के गेम में हम इसको मार नहीं सकते हैं। अगर आप लियोन वाली स्टोरी खेलोगे तो आपको एंड में उससे फाइट होगी, लेकिन आप क्लेयर वाली स्टोरी खेलोगे तो उसमें टायरेंट जो है बीच में मर जाता है, उसको मार देता है जी वायरस, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है कि पबजी मोबाइल में टायरेंट आता है एज अ मेन बॉस। पबजी मोबाइल के गेम में टायरेंट को मार सकते हो, और रेजिडेंट इविल 2 के गेम में आप उसको नहीं मार सकते, आपको बस उससे बच के ही भागना पड़ेगा। तो ये कुछ जॉम्बीज हैं, एंड आई होप आप सब उस जॉम्बीज को अच्छे से जान गए होंगे कि क्या काम है इनका, क्या करते हैं, और थोड़ा सा कंपैरिजन जो आपने देखा रेजिडेंट इविल 2 के जॉम्बीज से और पबजी मोबाइल के जॉम्बीज से। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की गेमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।